पाठ का दूसरा भाग देख चुके थे, उसी को और एक बार दोहराते हुए इस पाठ का अगला भाग अब हम इस अवधि में देखेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली अवधि में समझाई थी यहाँ राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती का विवाह कब और किससे हुआ था। तो उसका विवाह चेल्लम्मा नाम की लड़की के साथ 1896 में हुआ था और इनके विवाह के एक साल बाद इनके पिता का देहांत हो गया और माँ भी स्वर्ग सिधार चुकी थी। तो बाद में अथक परिवार की पूरी जिम्मेदारी इन पर आ पड़ी, तो इन्होंने सोचा मेरा उच्च शिक्षा और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मैं काशी जाना है कहकर सोच लिया और उसी तरह उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भी चले गए और प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भी पास की और वहाँ इनका लेखन कार्य भी जारी रहा था। यह सब हमने पिछली अवधि में देख चुके थे और 1905 में एक बंग भंग आंदोलन हुआ, तो वो भारती के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इतना सब कुछ देखे थे, तो आज की इस अवधि में हम इसी पाठ का अगला भाग को देखेंगे। तो पेज नंबर यानी पुट संख्या 28 निकालो आप, मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप देखते जाओ। हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भारती ने अपनी वाणी और लेखनी से परतंत्र भारत के जनमन में देश सेवा और आजादी की भावना का प्रचार प्रसार किया। ओजपूर्ण कविताओं और ओजस्वी वाणी से उन्होंने जन जागरण का काम किया। इसी समय उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह स्वदेश गीत प्रकाशित हुआ। उत्कृष्ट लेखन के कारण उन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। वे एक सच्चे राष्ट्रकवि थे। भारत माता के प्रति उनका स्नेह उनकी इन पंक्तियों में झलकता है। आओ गाएं वंदे मातरम, भारत माँ की वंदना करें हम। परतंत्र भारत की परिस्थितियों से दुखी भारती 1919 में गांधी जी से मिले। एक सभा में दिए गए उनके भाषण से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। यही वह समय था जब भारती ने स्वदेश मित्रन के संपादन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अपनी संपादन प्रतिभा से वे औरों के लिए प्रेरणा बन गई। जुलाई 1921 में ऐसी घटना घटी जिससे सब शोक सागर में डूब गए। मंदिर में एक हाथी को भोजन देते हुए हाथी ने उन्हें सूंड में लपेटकर इतनी तेजी से जमीन पर पटका कि भारती अचेत हो गई। कुछ समय बाद सितंबर 1921 में उनका निधन हो गया। अपने छोटे से जीवन काल में राष्ट्रकवि भारती ने राष्ट्र सेवा के लिए जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय प्रशंसनीय है। तो देखो बच्चों, यहाँ राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती ने हिंदी, बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता बन गए थे और अपनी वाणी और लेखनी से परतंत्र भारत के जनमन में देश सेवा का और आज़ादी की भावना का प्रचार प्रसार किया। तो हमारे भारत देश को यानी हमको 1947 में आज़ादी मिली है, तो आज़ादी के पूर्व तो आज़ादी से पहले हमारा देश परतंत्र भारत था, तो दूसरों के यानी ब्रिटिशों के ऊपर उनके हक पर था, तो परतंत्र भारत कहते हैं इसे। तो हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो इस तरह परतंत्र भारत के जनमन में देश सेवा
और आजादी की भावना का प्रचार प्रसार किया। यहाँ भारती ने सभी भारत लोग के लोगों के मन में क्या कर दिया, आजादी और देश सेवा की भावना का प्रचार प्रसार किया। स्कॉलर विद नॉलेज ऑफ मेनी लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, बंगाल, संस्कृत, इंग्लिश एंड मेनी मोर। भारती प्रोपोगेट ए फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड फ्रीडम इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ डिपेंडेंट इंडिया परतंत्र भारत। तो डिपेंडेंट इंडिया के पीपल ने जनमन में क्या कर दिया, देश सेवा की भावना का प्रचार प्रसार किया। ओजपूर्ण कविताओं और ओजस्वी वाणी से उन्होंने जन जागरण का काम किया। ओजपूर्ण यानी ओजस्वी कविताओं, ओजपूर्ण कविताओं और ओजस्वी वाणी। ओजस्वी का अर्थ होता है यहाँ जोश से पूर्ण यानी प्रभावशाली, डिक्लेमेटरी कहते हैं अंग्रेजी में से। तो यहाँ अपनी ओजपूर्ण कविताओं और ओजस्वी वाणी से उन्होंने जन जागरण का काम किया। जागरण का अर्थ होता है जगाना, अवेयरनेस डालना। तो यहाँ भारत देश के जन मन में वो अवेयरनेस डालने का कार्य शुरू किया। क्यों, क्या अवेयरनेस डालना था यहाँ भारत देश के जनमन में? भारत परतंत्र भारत था, तो परतंत्र भारत के जनमन में इन्होंने देश सेवा और आजादी के भावना का प्रचार प्रसार कर उसके बारे में वो अवेयरनेस करना था। तो अपनी ओजपूर्ण कविताओं से इन्होंने भारत के जनमन में अवेयरनेस डालना शुरू कर दिया, यानी उन लोगों को जगाना शुरू कर दिया। He awakened the country with his vigorous poems and spirited voice. ओजस्वी वाणी, spirited voice. तो इन्होंने declamatory voice से यानी उनकी प्रभावशाली वाणी से, वाणी का अर्थ होता है voice, स्वर, ध्वनि। तो इनके voice से क्या करने लगे वो, spirited voice. तो उनने वो उनके प्रभावशाली वाणी से उन्होंने जन जागरण के मन में आजादी की भावना का प्रचार प्रसार करने का काम शुरू किया। इसी समय उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह स्वदेश गीत प्रकाशित हुआ। तो देखो बच्चों, भारती ने एक काव्य संग्रह किया था, उसका नाम है स्वदेश गीत। तो बच्चों, भारती का प्रसिद्ध काव्य संग्रह का नाम क्या है, यानी प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन सा है? Yes. भारती ने लिखे हुए प्रसिद्ध काव्य संग्रह था स्वदेश गीत। उस समय वो प्रकाशित हुआ। At that time, his famous collection of poetry, स्वदेश गीत, got published. उस समय वो प्रकाशित हुआ। प्रकाशित का अर्थ होता है published. तो उस समय वो पब्लिश हुआ। उत्कृष्ट लेखन के कारण उन्हें महाकवि भारतीयर के नाम से भी जाना जाता है। इनके उत्कृष्ट लेखन के कारण इन्हें और एक नाम से भी जाना जाता है भारती को, वो है भारतीयर। भारतीयर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्यों इन्हें भारतीयर के नाम से भी जाना जाता है बच्चों? क्योंकि इनके उत्कृष्ट लेखन के कारण। उत्कृष्ट का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, एक्सलेंट। तो इनके एक्सलेंट पोएट्री से यानी इनके एक्सेलेंट कविताओं से इनको अहम भारतीयर के नाम से भी जाना जाता है। ही इज आल्सो नोन एज ग्रेट पोएट भारतीयर फॉर हिज एक्सेप्शनल राइटिंग। तो वो एक ग्रेट पोएट है भारतीयर, तो ग्रेट
यानी महाकवि भरतियार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल राइटिंग्स। तो इनके उत्कृष्ट लेखन से इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। वे एक सच्चे राष्ट्रकवि थे, वे एक सच्चे राष्ट्रकवि थे। ही वाज ए ट्रू नेशनल पोएट, ही वाज ए ट्रू नेशनल पोएट, एक सच्चे राष्ट्रकवि थे। भारत माता के प्रति उनका स्नेह उनकी इन पंक्तियों से झलकता है। भारती को कितनी अपनी भारत माता के प्रति स्नेह था कहकर इन पंक्तियों से पता चलता है। वो पंक्तियां हैं, आओ गाएं वंदे मातरम, भारत माँ की वंदना करें हम। तो देखो यह पंक्तियों में इनकी भारत माता के ऊपर रहने की स्नेह की झलक दिखाती है, यानी उसके झलकता हुए दिखाती है। वो है आओ गाएं वंदे मातरम, भारत माँ की वंदना करें हम। The following lines reflects his love towards Mother India. The following lines reflect his love towards Mother India. तो भारत माता की उनकी स्नेह इन पंक्तियों से झलकती है, रिफ्लेक्ट होती है। Let's sing Vande Mataram, let's go to Mother India. परतंत्र भारत की परिस्थितियों से दुखी भारती 1919 में गांधी जी से मिले। तो देखो बच्चों, यहाँ परतंत्र भारत की परिस्थितियों से दुखी होकर भारती ने एक बार 1919 में गांधी जी से मिले। तो बताओ बच्चों, भारती ने कब गांधी जी से मिले? ऐसा का उत्तर सही है, भारती ने गांधी जी से 1919 में मिले थे। क्यों मिले थे इन्होंने? क्योंकि भारती ने परतंत्र भारत की परिस्थितियों से बहुत दुखी हो गए थे, इसके बारे में ही बात करने के लिए वो गांधी जी से मिले। परतंत्र का अर्थ होता है गुलाम होना, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। तो हम आजादी से पहले हम भारत देश वाले ब्रिटिशों पर डिपेंडेंट थे, इसी को हम परतंत्र कहते हैं, गुलाम भी कहते हैं। तो इस तरह का गुलामी देश था हमारा हमारे आजादी से पहले। तो इसके बारे में बात करने के लिए इन्होंने गांधी जी से मिले। एक सभा में दिए गए उनके भाषण से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। तो देखो यहाँ राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती ने एक सभा में भाषण दिए थे, तो ये भाषण सुनकर गांधी जी ने इतने प्रभावित हुए, तो भारती पर प्रभावित हुए कि उनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। तो उनकी इतनी प्रशंसा किए क्या करते थे, क्योंकि भारती का भाषण बहुत अच्छा था। भारती मीट गांधी जी इन 1919। गांधी जी गॉट सम इंप्रेस्ड बाय हिज लेक्चर गिवन इन एन असेंबली दैट ही कुड नॉट हेल्प प्रेसिंग भारती। यही वह समय था जब भारती ने स्वदेश मित्रण के संपादन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वही समय था जब भारती ने स्वदेश मित्रण नाम का संपादन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। दिस वॉज द टाइम वेन भारती टुक अपॉन हिम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिटिंग स्वदेश मित्रण। दिस वॉज द टाइम वेन भारती टुक अपॉन हिम, जब उनके ऊपर वो ले ली। क्या कार्य अपने ऊपर ले ली वो, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ले ली थी? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिटिंग स्वदेश मित्रण। भारती ने स्वदेश मित्रण के संपादन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, उस समय वहां गांधी जी से वो मिले थे। अपनी संपादन प्रतिभा से वे औरों के लिए प्रेरणा बन गए। भारती ने अपनी
संपादन प्रतिभा से औरों के लिए प्रेरणा बन गए। He became an inspiration for others because of his editorial skills. तो इनके editorial skill से वो इन्होंने दूसरों के यानी औरों के लिए प्रेरणा बन गए, inspire बन गए। He became an inspiration for others because of his editorial skills से इन्होंने inspire हो गए। इतने स्वदेश मित्रन का इतना अच्छे से वो एडिटिंग कर चुके थे। तो जुलाई 1921 में ऐसी घटना घटी जिससे सब शोक सागर में डूब गए। तो देखो बच्चों, यहाँ जुलाई 1921 में एन इंसिडेंट हैपेंड। Which incident happened? Yes, an incident happened in July 1921 and everyone drowned inside. तो वो सभी शोक सागर में डूब गए, drowned inside. वो शोक सागर में डूब गए, सभी को इस घटना से दुख हो गया। क्या है वो घटना? मंदिर में एक हाथी को भोजन देते हुए हाथी ने भारती को सूंड में लपेट कर इतनी तेजी से जमीन पर फटका कि भारती अचेत हो गई। देखो, एक मंदिर में यहाँ भारती ने हाथी को भोजन दे रहे थे, तो भारती ने हाथी को भोजन देते समय नहीं देते हुए हाथी ने भारती को अपनी सूंड में लपेट कर इतनी तेजी से जमीन पर फटका, तो भारती वहीं पर अचेत हो गए। अचेत होना इसका अर्थ तो है बेहोश होना, अनकॉन्शियस। तो हाथी ने भारती को जमीन पर पटका, तो जमीन पर पटकने के बाद वो अनकॉन्शियस हो गए। मंदिर के एक हाथी को भोजन देते हुए उन्हें सूंड में लपेट कर हाथी ने इतनी तेजी से जमीन पर पटका कि भारती अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो गए। कुछ समय बाद सितंबर 1921 में उनका निधन हो गया। देखो, भारती का निधन कब हुआ बच्चों? यस, भारती का निधन सितंबर 10, 1921 में हुआ। भारती का निधन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ उन्हें हाथी ने अपनी सूंड में लपेट कर जमीन पर पटका था। कब? जुलाई 1921 में। तो जुलाई से यहाँ सितंबर तक वो थे, लेकिन सितंबर 10, 1921 में उनका निधन हो गया। While feeding an elephant in the temple, the elephant encircled him in the trunk and threw him on the land so violently that Bharati became unconscious. After some time, in September 10, 1921, he died. अपनी हाथी ने यहाँ अपने सूंड में लपट कर, सूंड का अर्थ होता है यहाँ, सूंड का अर्थ होता है ट्रंक। तो हाथी के ट्रंक में वो क्या कर दिया? लपेट कर, इनसर्कल्ड हिम इन हिज ट्रंक एंड थ्रेव हिम ऑन द लैंड, तो जमीन पर पटक दिया। तो वहाँ भारती अनकॉन्शियस हो गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद सितंबर 10, 1921 में, सितंबर 10, 1921 वो निधन हो गए। अपने छोटे से जीवन काल में राष्ट्रकवि भारती ने राष्ट्र सेवा के लिए जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय प्रशंसनीय है। तो बच्चों, यहाँ भारती ने अपनी छोटी सी जीवन काल में दी गई यहाँ अपनी छोटी सी जीवन काल में राष्ट्रकवि भारती ने राष्ट्र सेवा के लिए जो योगदान दिया है, योगदान का अर्थ होता है सहयोग, कॉन्ट्रीब्यूशन,
तो यहाँ राष्ट्र कवि होकर ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो यहाँ इनके योगदान दिए वहाँ अविस्मरणीय प्रशंसनीय है। अविस्मरणीय का अर्थ होता है ना भूलने वाला, अनफॉरगेटेबल। तो इनका इन्होंने तो अब यहाँ पे नहीं है, इनका निधन हो गया है, लेकिन उनके जो कार्य है, राष्ट्र सेवा है, वो अविस्मरणीय है, यानी वो अनफॉरगेटेबल है, वो हम कभी भी भूल नहीं सकते, है ना। तो 1921 में भारती का निधन हुआ है, लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं और उनको हम याद कर रहे हैं, ये है अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। तो वो ना भूलने वाले व्यक्ति है। अब प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य, एडमिरेबल। तो उनके व्यक्तित्व जो ऐसी थी, इनका निधन हुआ तो भी हम इनके व्यक्तित्व को नहीं भूल पाते, वो कभी भी प्रशंसनीय है और अविस्मरणीय है, तो उनको प्रशंसा के योग्य है और इन्हें ना भूलने वाले व्यक्ति है, क्योंकि इनकी देश सेवा यानी राष्ट्र सेवा इतने सब कुछ कर चुके हैं इन्होंने। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको भी यह राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती के जीवन काल के बारे में और उनकी काव्य प्रतिभा के बारे में और उनका निधन कब और कैसे हुआ, इस सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अगली अवधि में मिलते हैं। धन्यवाद।